हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हम आप में हम सब इनफैक्ट अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी है ना, इतना भागदौड़ में है, इतना कंपटीशन है लाइफ में कि हमारे पास अच्छा बुरा क्या चल रहा है अपने आजू बाजू में हम देखना ही नहीं चाहते। मतलब अगर हमको गलत कुछ दिख भी रहा है तो हम इग्नोर कर देते हैं या छोड़ देते हैं ये सोच के कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। और इसी का रिजल्ट ये है कि जो लोग गलतियां कर रहे हैं उनको भी पता है वो लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग का उससे फ़ायदा निकल रहा है तो वो लोग ऑब्वियसली कंटिन्यू रखेंगे। एंड उनको भी पता है कि कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, अरे भाई किसी को पड़ी ही नहीं है, तो जब तक अपना फ़ायदा निकल रहा है तो निकलने दो ना। तो ऐसा ही हम टीवी में एड्स देखते गाइस कि कोई भी सामान आप लेने जाओ तो आपको पक्का बिल दुकानदार को देना है ही। लेकिन आपको भी पता है, मैंने भी बहुत नोटिस किया कि बहुत सारे अच्छे अच्छे दुकान में भी आपको वो बिल देते ही नहीं है, बस एक ब्लैंक पेपर पे ऐसे लिख के दे देते हैं या मोस्टली लोग स्टैम्प मार के दे देते हैं, बट दैट इज़ नॉट द पक्का बिल ना मेरे भाई। तो ऐसा ही कुछ हादसा मेरे साथ हुआ जब मैं गाजियाबाद में था अपनी दीदी के घर पे। मैं अपने भंजे के साथ गया था एक ग्रोसरी स्टोर में, एंड सामान लेने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई बिल दे दो, तो फिर मतलब बिल तो नहीं दे रहा है प्लस मेरा सामान लेके मुझ पर ही चढ़ रहा है। मतलब मैं बोला क्या चल रहा है। एंड फिर हमने सोचा कि उसको सबक सिखाए कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो भाई। तो ये वीडियो उसके बारे में, तो आप देखो कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने सामान लिया, फिर अंकल का ये रिएक्शन था, देखो। तो ये ग्रोसरी शॉप में आया था गाजियाबाद में, भैया से मैंने पूछा, बिल मांगा भैया से, पक्का बिल। भैया मेरे को पर्ची पे कुछ लिख के दे रहे थे, तो मैंने बोला पक्का बिल आपको देना अलाउड नहीं है। बोलते नहीं, हमारे यहाँ तो रूल नहीं है, तुमको जो करना करो, हम पक्का बिल कभी नहीं देंगे, हम अपना GST भरते, लेकिन अगर कस्टमर मांगेगा तो हम उसको बिल नहीं देंगे। और भैया से मैंने स्टैंप लगा के दो ना, फिर जो मांगता है। हाँ, पर पक्का बिल नहीं दोगे आप? अरे जी मेरे पास नहीं है, तू अपने पैसे पकड़े। देखो भैया का एटीट्यूड, देखो यार ये तो एटीट्यूड की कौन सी बात है इसमें। भैया ने मेरे से कार्ड पेमेंट लिया, अभी मेरे को कैश दे रहे हैं। कैश दे दिया। देखो वाओ, मतलब व्हाट एन एटीट्यूड गाइस। दुकान का नाम बताता हूँ, कृष्णा ग्रोसरी स्टोर। ओके, तो मैंने सोचा अभी जो ऐसे दादागिरी करता है उनको किसी ना किसी को तो सबक सिखाना ही है ना, तो मैंने बुलाया सीधा पुलिस को। सी आप मेरे पीछे देख सकते हो, पुलिस की गाड़ी है, उनको मैं लेके जा रहा हूँ स्टोर की तरफ पे। मतलब यार जब तुम इतना ऐड करते हो कि पक्का बिल इज़ इम्पोर्टेंट, पक्का बिल अगर नहीं मिलेगा तो तुम्हारा सामान फ्री है, तो आज हम भी देख लेते हैं ना हमारे राइट्स हमको मिलते हैं कि नहीं, आज हम भी देख लेते हैं भाई। मैंने मांगी थी सर आपसे, तो इसको कागज स्टैम्प लगा दे दूं बड़ा नहीं, मैं इतना ज्यादा से 3 आइटम है अजा फेर कोई ज्यादा कानून बने बाबा तू अपने पैसे ले जा। नहीं है क्यों, ये रसीद देते हैं जी, और कोई मांगता है? देखो चाहे वो 10 रुपए का सामान है, नहीं वो बात सही है, 2 रुपए का है, अगर जो ग्राहक मांगता है उसको आपको देना नहीं पड़ेगा। देते हैं जी, देते हैं, मने थोड़े करते हैं। हमको क्यों नहीं दिया? अब इसने हमें बुलाया, अच्छा हमें कंप्लेंट करी है, परेशान किया, मेरा सामान ले लिया, बोलते सामान मत लो भाई। यार बहस करने का कोई नहीं, बहस तो आपने की ना, मैंने तो सिर्फ रसीद मांगा, स्टैंप पेपर लगा स्टैंप लगा के दे देंगे। नहीं क्यों, स्टैंप लगा के क्यों दे रहे हैं आप? नहीं ये भाई, ज्यादातर ग्राहक कोई मांगा देते हैं आपसे, नहीं होंगे उधार कौन ले रहा है तुम? नगद लेने वाले भी आते हैं, तो बहुत कम लोग रसीद पक्की रसीद मांगते हैं।
तो अगर एक दो ग्राहक कोई भी मांग रहा है तो पक्की रसीद आपको नहीं, जो मांगा देंगे। क्या आपको मेरे को क्यों नहीं दिया? हमने मैंने भी नहीं करी थी सब, स्टैंप लगा कहने नहीं मैं कंप्लेंट क्यों लगा, स्टैंप क्यों लगाओगे आप? इसमें भी पक्की रसीद तो नहीं देते हम, मैंने थोड़ा तो और अब तो एटीट्यूड ही चेंज हो गया। आप तो मेरे को चिल्ला रहे थे, मेरे को बोल रहे कानून सिखा रहे हो मेरे को, तुम ये बोल रहे थे आपका आपका वीडियो दिखाओ आप मेरे से किस तरीके से बात कर रहे थे। ये कोई फायदा नहीं है, नहीं मैं उनको दिखाऊंगा, आपसे तो फायदा नहीं है, मेरे को भी पता है। हाँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपका, रसीद दे देंगे, रसीद में कौन सी बात है, रसीद को थोड़े तो क्यों नहीं दिया फिर, क्यों नहीं दिया क्यों नहीं दिया? आजकल तो ऐसा भी हो रहा है किसी स्टोर में चले जाओ बिना ही मांगे दे तो रिकॉर्ड कर, और वो तो किसी आपका छोटी मोटी दुकान तो है, ये देखो ना जैसे उसके जीएसटी है, जो बिल हमारे पास आता है माल आता है उससे जीएसटी जमा हो जाता है, ठीक है। कोई कस्टमर बिल मांगे बिल दे दो, नहीं मांग तो जो मांग रहा है तो उसको नहीं, तो मैंने थोड़ा ही करे। तो आप तो कह रहे हैं स्टाम्प लगा दे, हाँ। तो ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों कर देंगे आप? नहीं ये कहता था कोई स्टाम्प लगा दो, चलो स्टाम्प भी लगा दो, नहीं हम तो बिल्कुल मैंने थोड़ा मैंने थोड़ा ही करे थोड़ी। अगर आपने इसे बच्चे को मना नहीं किया तो ये हमें क्यों बुलाया इसने? हम तो इतनी बात हम बस इतनी सी बात का हमारा उत्तर, मेरे पास तो बहुत फ्री टाइम है, दिमाग में पता नहीं क्या कोई ना कोई बात आपने मना किया होगा तभी तो इसने बुलाया हमें। ऐसी कोई बात सर मैं आपको वीडियो दिखाऊं, ये था कोई आप बता देगी दिल दिए पे या कोई समस्या आ जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं था। और आपका काम है आपका, आपको वैसे भी अपना व्यवहार थोड़ा सा व्यवहार रखना चाहिए, वो बता तो रहा चिल्ला रहे थे आप, वीडियो दिखाओ सर, वीडियो चिल्ला रहा था क्या चिल्ला रहा था, फिर बोल रहे कि तुम मुंबई से आए हो, हाँ दिखाओ भाई। ओके तो फिर उसके बाद मैंने पुलिस वाला को वो वीडियो दिखाया जिसमें वो अंकल मेरे को चिल्ला रहे थे, मेरा सामान ले लिया था और मेरे को भगा दिया था वहाँ से। तो फिर उनने भी बोला कि सही बात है, तुम सही बोल रहे हो, इनने गलत किया। फिर उनने मेरे को पूछा तुमको क्या करना है, मैंने बोला कि मेरे को सर आप कोई जरिया बताओ जिससे इनको फाइन पड़े, इनको रियलाइज होना जरूरी है कि इनने जो किया वो गलत किया। सर आप मेरे को अभी बताओ कि मेरे को अगर इन पे फाइन मरवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आगे बताओ उसके लिए। अगर कानूनी कार्रवाई करनी है तो आप लिखित में दीजिए, वीडियो है ना आपने देख लिया, फिर लेके चलेंगे अपना कानूनी कार्रवाई करने का। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ ना, जो नहीं बोल रहा था उनके साथ ये क्या करते होंगे सर? अब हर कोई इसमें तो पड़ेगा नहीं कि आपको बुलाए, इनका व्यवहार तो आपने देख लिया वीडियो में कैसा है, तो इनको सजा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि उनको आगे के लिए सीख मिले, जो भी है फाइन कुछ भी, पर इनको फाइन पड़ना चाहिए। नहीं सही बात है, तुम ऐसे नहीं कर सकते अंकल, आप बताओ अभी आगे क्या करना है इनका, मेरे को समझौता नहीं करना है, खत्म। चौकी इंचार्ज को आओ गुरुजी, नहीं हम कंप्लेंट करी, अब ये सॉर्ट आउट आप थाने में जाके करिएगा। नहीं क्या करे, क्या वीडियो है मेरे पास? अरे ये हमने कह दिया रसीद दे, बात खत्म हुई, क्यों बात? हम इसे कह तो रहे हैं कि सॉर्ट आउट कर लो, हम मना कर रहे हैं, क्या ये नहीं मान रहा तो क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं है, नहीं पर आपने बच्चा अभी बच्चा हो रहा हूँ पता नहीं हो जा, पर मैं तो चलो इतना बोल दिया, जो इंसान दबने वाला उसको तो तुम ऐसे दबा दोगे, किसी को नहीं दबाते हम, अभी देखा नहीं आपने हम वीडियो में? तो हम जी दबाओगे, हम तो समझ नहीं, देखो बाप रे आजकल अगर प्रूफ, मैं कह रहा हूं कि आपका तो अपना काम करना, प्रूफ होने के बाद भी आप इतना एक्टिंग कर रहे हो, तुम बता नहीं, मेरे को इनको फाइन मरवाना है बस, अब आप क्या कार्रवाई करोगे आप देखो। अभी अब आप हंस हंस के नहीं निकल सकते ना अंकल, आपने पहले बहुत टेढ़ा बात कर लिया मेरे से। नहीं टेढ़ा नहीं, काम में टेढ़ी की है। अरे रे रे रे, चल छोड़ रखा भाई, जो गलती होगी बस आपके बोलने से थोड़ी होता है, मेरे को नहीं हटाना ना, नहीं ऐसा नहीं होता, गलती होगी, गलती की सजा नहीं मिली ना आपको अभी तक, सजा जब मिलेगी यही मिलगी, इतना बड़ा मैं चलो यार नहीं, पर सजा मिलगी बुजुर्ग और बाकी चाहोगे जो चाहोगे, सही बात है, नहीं आप तो बहुत सही कर रहे हो, गलती मान ली, गलती मांग ली, पर अगर मैं नहीं करता ये
तब तक तो आप गलती मान नहीं रहे थे। देखो हमें कुछ नहीं है, हम जैसा आप चाहोगे वैसे कार्रवाई। सही बात है ना, बाकी आप देख लो बुजुर्ग आदमी है, आपसे गलती मांग ले। नहीं हम समझ रहे हैं, पर इनको भी समझना चाहिए, कस्टमर भगवान होता है। आगे आगे कोई निकल के जान रहेगा, अब तक इनको ऐसा हुआ नहीं है। कस्टमर भगवान होता है, ये कौन बताएगा इनको? मैं खुद इनको बता रहा हूँ। आपने थोड़ा सा अपना व्यवहार थोड़ा नरम रखना चाहिए। पर गलती आप कब मानोगे? जब पुलिस आएंगे? आप नॉर्मल कस्टमर से ढंग से बात नहीं कर सकते हो? मैं लड़का भेजा था, मगर बुला के जाओ छोरे। मेरे को बोल रहे जिसको बुलाना है बुला लो, ये क्या बात हो गई? अभी किस लड़के को कहा? अरे रे भगवान, वो वीडियो है मेरे पास। व्यवहार सुधारो, है ना, व्यवहार सुधार लो आप। ठीक है चाचा, चल रही बताओ और क्या कर सके, यही कर सके? क्या कर सके? नहीं तुम्हारे सबक है। सॉरी बोल, सॉरी बोल अपना, जो है सॉरी तो कह दे, हमने गलती हुई। चल ठीक है, चलो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब आपको कुछ कहना? नहीं नहीं सर, हो गया। अभी क्या कर लूं, बोलो। अभी आप बोल रहे बुजुर्ग है इसलिए आपकी बात मान रहा हूं। हां एजेड है इसलिए आपकी बात मान रहा हूं मैं। ओके, तो फिर ऐसा हुआ कि पुलिस वालों ने भी मेरे को बहुत समझाया कि यार चलो उम्र वाले इंसान है, छोड़ दो यार, चलो एक बार माफ कर सकते हैं अपन। मैंने बोला यार क्यों, अपने वजह से थोड़ा बुजुर्ग है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर बुजुर्ग इंसान को सजा नहीं दिलवानी चाहिए, बट ये इतना बड़ा पाप नहीं था, मतलब ठीक है चलो एक चांस मेरे साइड से दे सकता हूँ मैं, बट दिस इज नॉट नेसेसरी गाइस, कि जो उम्र वाले इंसान हो वो गलती नहीं करते। और बिल सबको दिया करो, मांगे या ना मांगे बिल दिया करो। चलो बना दो आप, और आंटी बिल मांगा करो। सामान तो ले बना, यही था अंकल जी, यही करना था पहले भी, इतना नहीं करते, मेरा भी टाइम वेस्ट, अपना भी दिमाग खराब। ये नहीं क्यों नहीं समझता आप लोग को? चलो कोई नहीं, है ना, कि कस्टमर जो मांग रहे दे दो, उसको भी खुश हो जाएगा। इतना बखेड़ा करने के बाद तुम देना ही पड़ा ना, अब मैं उसको बिल लेके क्या करूंगा? लेकिन मैं मांग रहा हूँ तो देना होता है। वो तो अच्छा हुआ मैंने वीडियो बना लिया था, नहीं तो तुम तो बोलते मैंने कुछ बोला ही नहीं। चलो कोई ना, आप बनाओ बनाओ, मुकर तेरी मुकरने वाली बात। एंड गाइस यहाँ पर आई वुड लाइक टू से कि पुलिस वाले बहुत अच्छे थे, उनने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब यस अगर वो इतना हेल्प नहीं करते, वो इतना सपोर्टिव नहीं होते तो हम क्या कर सकते थे ना, बट वो बहुत अच्छे थे, उनने मेरे अच्छे से मदद की, उनने मेरी प्रॉब्लम समझी एंड बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बात की, ऐसा मतलब लॉजिक थी बातों में। कभी कभी आप को पुलिस वालों की बातों में लॉजिक नहीं दिखाई देती है, बट ये बहुत समझदार थे, थैंक्स टू यूपी पुलिस। एंड फिर उसके बाद हम मजाक कर रहे थे, वो बोल रहे थे पिज्जा विज्जा बना रहे हैं यार, तो मैं बोला हाँ देखो ना सर, मेरा मूड खराब कर दिया यार। जी सर, ये सर ये ब्रेड पे पिज्जा लगा के फिर ये उसके ऊपर ऑरिगेनो वगैरह सब्जी वगैरह डाल के फिर माइक्रोवेव में पका दे। अच्छा, मतलब ये बनाने का ये सॉस है सर, चटनी टाइप है जो पिज्जा बनाया ब्रेड पर लगा। हाँ हाँ, अब सर बोले इतना अच्छा काम के लिए घर जा रहा था, मूड खराब कर दिया मेरा, अच्छा खासा मूड था बनाने का बच्चों के लिए। नहीं अभी आप बहुत प्यार से बात कर रहे हो आप, पता नहीं क्यों पन्नी दोगे कुछ? दे दो पन्नी, हमने दे दो पन्नी, तो जीत थी हमने, वापस भी तो ले ली थी। चलो थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे पुलिस मैंने कहीं नहीं देखे होंगे, सही बोल रहा सर, थैंक यू सर। सो गाइस कुछ चीजें नोट करना इज इम्पोर्टेंट, कि सबसे पहले तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसका प्रूफ जमा करना इज इम्पोर्टेंट, या तो वीडियो या तो ऑडियो, कुछ भी कर लो, मतलब एक प्रूफ होना चाहिए, वरना पुलिस वाले आपको बोलेंगे कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। सेकेंडली मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि मेरे साथ वो 14 साल का बच्चा था, मेरा भांजा, मैंने बोला अगर इसके सामने गलत को तुम सही नहीं करोगे तो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होगा, मैं वो नहीं चाहता था उस पे वो इम्पैक्ट हो, तो मैंने उसको बाद में मैंने ये बोला कि देख बेटा कभी भी तेरे साथ कुछ भी होगा ना तो तू डरना नहीं चाहिए, तुम पुलिस को बुलाओ। हम यूजुअली सोचते हैं कि ये सब में क्यों पड़े, बट अगर जब तक हम ही पुलिस को नहीं बुलाए तो वो हमारी हेल्प कैसे करेंगे? मतलब यहाँ पर अगर मैं छोड़ देता, मैं सोचता कि पुलिस वाले कुछ नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता है। आपने देखा पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। एंड ऑल्सो मैंने बीच में एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, मतलब ऐसे कोई आम लेडी नहीं, एक पावरफुल लेडी बोल रही थी कि लिसन टू मी, उन्होंने भी अपने वीडियो में ऐसे बताया था कि मैं कहीं पे तो गई थी पार्लर वार्लर में, मेरे साथ बुरा हुआ, बट मैं डर गई, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब बीइंग सच अ पावरफुल वूमेन, अगर तुम डर रहे हो
एंड तुम यहाँ पर आके सिर्फ स्टोरी नरेट कर रहे हो, प्लीज लिसन टू मी। तुम बताना क्या चाहते हो कि मैं वहां पर गई और मैं डर गई और मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया? दैट इज रॉन्ग गाइज। मैं आपको ये वीडियो के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि मत डरो, एंड अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है तो उसकी शक्ल दिखाओ, उसका फोटो लो, उसकी वीडियो बनाओ और सबको बताओ कि इसने मेरे को गलत किया एंड मेरे को इसके साथ भी सेम करना है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? आपके अंदर ये होना चाहिए। कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता, एंड अगर आप उसको छुपा रहे हो, मतलब अगर तुम पावरफुल नहीं हो या पावरफुल हो तुम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट ट्राई तो दो। अगर तुम कुछ करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो लोगों को खाली स्टोरी नरेट करके, स्टोरी बता के तुम क्या बताना चाहते कि मेरे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ भी हो सकता है? नहीं गाइस, मैं आपको ये बोलूँगा कि बुराई के खिलाफ लड़ो, बुराई के खिलाफ स्टैंड लो, उसमें घुसो, उसको सॉल्व करो और उससे बाहर निकलो, ताकि दोबारा वो इंसान सेम चीज़ें सेम हरकत नहीं कर पाए कभी। एंड ट्रस्ट मी, पुलिस वाले हेल्प करते हैं, वो मैंने देख लिया, थैंक्स टू यूपी पुलिस। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा ये वीडियो से, बिकॉज डरना तो किसी से नहीं चाहिए मेरे भाई, कभी नहीं, डर के आगे ही जीत है। ठीक है, डर के आगे जीत है, लेकिन आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा, एंड अगर सीखने मिला तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। एंड आपके साथ भी कोई इंसिडेंट ऐसे हुआ है जहाँ पे आप डर गए होंगे एंड आपको बाद में रिग्रेट हुआ होगा कि शायद मुझे वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था तो कुछ हो सकता था, एंड अगर आगे आपके साथ ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ डरना नहीं, ठीक है? सब है यार हेल्प करने के लिए आपके, अगर बस जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक आपको कोई हेल्प नहीं करेगा मेरे भाई। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रमोद रावत, याद है ना? चलो 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 चलो।